आओ ठाकुर आओ, ये अपने हवेली के गुलदस्ते को क्यों लेकर आए? नहीं तिलंगा, ये गुलदस्ता नहीं, मेरे घर का चिराग है। दो तो बुझ गए, बाकी एक रह गया। भगवान कसम, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसकी हिफाजत करो तिलंगा। ठाकुर, मैं तेरे चिराग को डाकू बना देता हूँ, बंदूक चलाना सिखा देता हूँ, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा। नहीं तिलंगा, इसे डाकू नहीं बनाना, ये मेरे खानदान की आखिरी रोशनी है, इसी ने खानदान चलाना है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इसे कुछ नहीं होगा ठाकुर, तेरा चिराग हमेशा जलता रहेगा। मुझे डर लगता है तिलंगा, बिजली और गुलाम वाली बहुत खतरनाक है, इसको उनके साए से भी बचाना चाहिए। तू छक्का हो गया है ठाकुर, शेर के जंगल में आके बिजली और चूहे की बात करता है। पर उनके मुंह को खून लग चुका है। खून मुंह पर नहीं लगा है, तूने तो मछली का चारा डाला है, चारा, और ये चारा खाने के चक्कर में वो घन चक्कर बनकर मेरी जाल में फंस जाएगा। देख तिलंगा, कहीं ऐसा ना हो मछली मेरे चारे को ही खा जाए। नहीं ठाकुर, ऐसा कुछ नहीं होगा, चारे तक पहुंचने से पहले ही मैं मछली को निगल जाऊंगा। अमीका बहन, मुझे बचा लो अमीका बहन। अरे मेरे दो बच्चों को मार चुकी है और तीसरे को मारने वाली है। कौन? तुम्हारी बेटी बिजली। बिजली? तो क्या बिजली ने तुम्हारे दोनों बेटों को मारा है? हाँ, तुम्हारी बेटी बिजली, जिसको बचपन में तिलंगा उठा के ले गया था, उसको तो तिलंगा को मार देना चाहिए। वो मेरे घर को, मेरे घर के चिराग को बुझा रही है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिजली मेरी बेटी है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, वो मेरा कहना मानेगी। तुम जाओ। अच्छा अच्छा। चंदा माँ। बेटी चंदा, मेरा नाम चंदा नहीं है, मेरा नाम बिजली है माँ। बिजली? वो नाम तो एक श्राप है बेटी, जो उस राक्षस तिलंगा ने तुझे दिया था। तेरे बचपन का नाम तो चंदा ही है, जिसे जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही ग्रहण लग गया हो। ग्रहण तो चांद और सूरज में भी लगता है बेटी, जिसके लिए सारी दुनिया प्रार्थना करती है कि ग्रहण छूट जाए। मैंने भी तेरे लिए पूजा की है कि तुझ पे लगा हुआ ग्रहण छूट जाए, और अब वो वक्त आ गया है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं माँ, जब तक मैं उनकी करनी की सजा नहीं दे दूं, तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगी। कल ठाकुर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने मेरे दर पर आया था। एक बेटे के बाप ने एक माँ की ममता को चुनौती दी है, जो मैंने स्वीकार कर लिया है। अब क्या एक बेटी अपनी माँ को निराश करेगी, उसे मायूस कर देगी? बोल। नहीं माँ। बेटी बेटी, अब तू मुझे वचन दे कि इसके आगे तू कोई खून खराबा नहीं करेगी, अपने आप को कानून के हवाले कर देगी। देख, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू कहे तो मैं तेरे पैर। नहीं माँ, नहीं माँ, तुम जो चाहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कल का सूरज उगने से पहले ही मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। क्या हुआ? क्या शिकार हाथ से निकल गया? नहीं बाबा, उसको तो मैंने मार दिया और उसकी लाश को मैंने उसके बाप के हवाले कर दिया, लेकिन मैं एक उलझन में पड़ गई हूँ। कैसी उलझन? आज जंगल में माँ मुझे मिल गई और उन्होंने भावना के चक्करव्यूह में मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं निकल ही नहीं सकी, और मैंने उन्हें वचन दे दिया कि सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अर्जुन तेरा दोस्त है और कानून में बहुत लचक है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा कि कानून तेरे साथ रियायत कर सके, और उसके बाद मैं भी अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा। पर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा बाबा? और फिर तुमने कहा था कि तुम मेरी शक्ति बनोगे, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मेरी आत्मा मुझे धुतकारेगी, और अगर मैंने उस कमीने को माफ कर दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। बाबा, सूरज उगने से पहले मुझे आखिरी शिकार कर लेने दो, और उसमें मुझे आपकी जरूरत है, उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है बिजली, तेरा आखिरी शिकार जन्नत के बाग में हो या दोजख की आग में, शेर के पिंजरे में बंद हो या बंदूकों के पैरों में कैद हो,
आज सूरज डूबने से पहले मैं उसे तेरे कदमों में लाकर डाल दूंगा, डाल दूंगा। देखो बेटे, डाकू बन जा, डाकू बनने के बहुत फायदे हैं। डाकू जी मेरे को डाकू नहीं बनना। जिद नहीं करने का, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे डाकू बनते। डाकू जी आ गया गुलाम अली। मैं जानता था मैंने मछली का शिकार करने के लिए जो कांटा डाला था उसमें तो जरूर फंसेगा। फंसते तो वो है तिलंगा जिन्हें अपनी अकल और ताकत का अंदाजा नहीं। मैं तो आज चट्टान की तरह इरादा करके आया हूं कि इस ठाकुर के लौंडे को लेकर ही जाऊंगा। ठाकुर जी आठ अपने आदमी से कहते हैं कि बंदूकें फेंकते हैं। बंदूकें फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। अच्छा हुआ तू आ गया, मैंने तेरी मौत अपने हाथों से लिखी है। जिंदगी और मौत लिखने वाला तो ऊपर वाला परवरदिगार है तिलंगा। अरे तू क्या मेरी मौत लिखेगा ए अनपढ़, तू तो कोरे कागज पे अपना नाम भी नहीं लिख सकता। ए गंजे चल। डाकू जी मुझे बचाओ। चिंता मत कर बालक, न तेरे सर पे बाल है न मेरे सर पे बाल है, न वो तेरा उखाड़ सकता है न वो मेरा उखाड़ सकता है। लेके जाके करेगा क्या? बाल नहीं तो क्या हुआ तिलंगा, इसका बाजू उखाड़ कर तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। मुझे बचाओ, नहीं। चल। पिछले ये रहे तेरा आखिरी शिकार। बाबा आपको क्या हो गया? आपका तो खून बह रहा है। कांटों के झुंड में से कांटे को निकाल के लाने में जख्मी तो होना ही पड़ता है बिजली। जख्मी होना और बात है बाबा, लेकिन ये क्या हो गया? मौत के नजदीक आ गया ना मैं जिंदगी की शत्रु। नहीं बाबा आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को लाती हूँ। तेरा आखिरी मकसद भी पूरा हो गया बिजली। अब जो तूने अपनी माँ से कहा था ना उसे जाके पूरा कर, मेरा वक्त तो पूरा हो गया। नहीं बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हर रिश्ता हर नाता छूट जाता है, जिंदगी और मौत पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं, उसे नहीं बांध सकता। ला इला इल्लिल्लाह मोहम्मदुर रसूल लिल्ला। इंस्पेक्टर साहब, इस गंदे समाज का लंगड़ा कानून जो खुद रिश्वत की बैसाखी से चलता हो वो हमारे साथ क्या रियायत करेगा और क्या न्याय करेगा? तुम अपना फर्ज अदा करो। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छी माँ का फर्ज अदा नहीं कर सकी। माँ कभी माफी नहीं मांगती, उसका कोई फर्ज नहीं होता, माँ तो सिर्फ माँ होती है। क्या? हाँ सरदार, इस वक्त वो चौकी में बंद है। गुलाम अली मर गया तो साली डर गई, छुप कर बैठ गई लॉकअप में। साहब एक आदमी आपके नाम ये चिट्ठी देके गया है। क्या बात है अर्जुन, किसकी चिट्ठी है? तिलंगा की। वो माँ को अपने अड्डे पर उठा कर ले गया और लिखा है कि सुबह तक तुम उसके अड्डे पर नहीं पहुंची तो वो माँ की लाश पुलिस स्टेशन में भेज देगा।